सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहरानी एवं मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जांच के चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम किरारी में सार्वजनिक स्थान में तलवार लहरानी एवं मारपीट का आरोपी गिरफ्तार हो गया। साथ ही अशोक कुमार कश्यप निवासी किरारी ने दिनांक 6/4/2021 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 6/4/2021 की सुबह 9:30 पर ग्राम किरारी में मणिशंकर कश्यप अपने हाथ में एक धारदार लोहे का तलवार और दूसरे हाथ में लोहे का रॉड एवं बांस का डंडा रखकर आम गली में लोगों को गाली गलौज देते हुए घूम रहा है। हाथ में रखे तलवार को लहरा कर जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों के द्वारा मना करने पर अपने हाथ में रखे डंडा से रामचरण कश्यप को मारा पीटा और रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 100/2021 धारा 294/323 25 और 27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। हालात वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया गया है, जिस पर उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी को घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया। प्रकरण में आरोपी से लोहे की तलवार एवं रॉड व बांस के डंडा को जब्त कर आरोपी मणिशंकर कश्यप पिता देवनारायण उम्र 22 निवासी किरारी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ जांच ब्यूरो चांपा टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो चीफ अजय यादव की खास रिपोर्ट। अकलतरा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें प्रार्थी अशोक कुमार कश्यप जो कि किरारी के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि मणिशंकर कश्यप जो कि एक धारदार तलवार अपने साथ लेकर आया था, साथ ही लोहे की रॉड और बांस भी वो लेकर आया था और तलवार को गांव में आकर ये हवा में लहराते हुए लोगों पे भय कारित कर रहा था। और इसी दौरान चरण कश्यप नाम के व्यक्ति ने जब इसे ऐसा करने पर मना किया तब उसने उसके साथ मारपीट की गई और उसके साथ गाली गलौज की गई और बांस के डंडे से उसने उसके सिर पर वार भी किया, जिससे उसे चोट भी आई। इस पर तत्काल ही पुलिस की टीम मौके पर रवाना हुई और आरोपी मणिशंकर कश्यप को हिरासत में लिया गया। उसके पास से जो धारदार तलवार है उसे भी बरामद किया गया है। इसमें आईपीसी की धारा 294/506/323 आईपीसी और साथ ही 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपी मणिशंकर कश्यप को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।